हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में। तो रामाचंद्रन प्लॉट को हम इस वीडियो में इजीली समझने की कोशिश करेंगे। तो रामाचंद्रन प्लॉट क्या है, क्यों हम इसको यूज करेंगे और क्यों हम इसको जानेंगे एंड कैसे हम इजीली इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं वो हम जानेंगे। तो ये जो रामाचंद्रन प्लॉट है, इसके साथ कोई प्रोटीन और एमिनो एसिड चेन का बॉन्ड एंगल्स की क्या संबंध है, क्या रिलेशन है एंड प्रोटीन के जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इस रामाचंद्रन प्लॉट से, इनके बारे में हम क्या आइडिया ले सकते हैं वो हम इस वीडियो में जानेंगे एक एक करके बट इजीली। ओके, तो रामाचंद्रन प्लॉट क्या है, इजीली हम इसको बताएंगे। तो रामाचंद्रन प्लॉट एक प्लॉट है, मतलब एक ग्राफ में कुछ प्लॉट किया गया है, कुछ वैल्यू को प्लॉट किया गया है। वो क्या है, प्रोटीन के ऐसा कुछ बॉन्ड एंगल्स है, ऐसा बहुत सारी बॉन्ड एंगल्स है। दो ऐसा बॉन्ड एंगल है वो जो है फाई बॉन्ड एंड शाई बॉन्ड। ऐसा प्रोटीन के जो फाई बॉन्ड एंड शाई बॉन्ड है उसके जो बॉन्ड एंगल के जो वैल्यू है उसको हम अगर कोई ग्राफ पर प्लॉट करते, टू डायमेंशनल ग्राफ पर प्लॉट करते, उसको बोला जाता है रामाचंद्रन प्लॉट। एंड उस मतलब द परमिटेड वैल्यू ऑफ फाई बॉन्ड एंड शाई बॉन्ड इन अ पेप्टाइड चेन। वन पेप्टाइड चेन के अंदर, एक पेप्टाइड चेन के अंदर फाई बॉन्ड एंड शाई प्रोटीन के जो फाई बॉन्ड एंड शाई बॉन्ड के एंगल के जो वैल्यू होते हैं उसको अगर हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं उसको बोला जाता है रामाचंद्रन प्लॉट। मगर हम इसको इसके बारे में इसके थ्रू हम क्या जानेंगे, इस प्लॉट के थ्रू हम जानेंगे प्रोटीन के जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, कौन सी सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा। अगर इस बॉन्ड एंगल चेंज होगा तो इस प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंट होगा, क्या डिफर करेंगे वो हम इस रामाचंद्रन प्लॉट से जानेंगे। ठीक है, तो हम इसको ब्रीफली जानते हैं इजीली कैसे हम रामाचंद्रन प्लॉट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहां पर सपोज हम तीन एमिनो एसिड लिए हैं, अगर इन तीन एमिनो एसिड के एक चेन बनेगा तो यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू एक पेप्टाइड चेन बनेगा। तो यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा। तो यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड ए वाला है, पेप्टाइड बॉन्ड CONH बॉन्ड, इसको बोला जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, यहां से पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा एंड ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है यहाँ पर इसका एक कैरेक्टर है, ये है डबल पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें है। मतलब ये जो C डबल बॉन्ड O है ये रेजोनेंस के थ्रू C डबल बॉन्ड N भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इस पेप्टाइड बॉन्ड में फॉर्म होता है। इसके लिए ये जो इस डबल पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के लिए ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये रिजिड होता है, इसका कोई रोटेशन नहीं होता। मतलब ये जो बॉन्ड है इसके कोई, इसके आसपास जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर कोई रोटेशन नहीं होता है, ये रिजिड होता है। इसका जो कंफर्मेशन है वो रिजिड है। तो ये वाला जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये 180 डिग्री में मोस्ट फेवरेबल होता है, मतलब ट्रांसपोजिशन में मोस्ट फेवरेबल होता है। ठीक है, और ये रिजिड है। लेकिन इसके बगल में, मतलब इसके एडजेसेंट में जो बॉन्ड होता है वो फ्रीली रोटेट कर सकता है। मतलब जो पेप्टाइड बॉन्ड है ए रिजिड है, इसके बगल में जो बॉन्ड होता है, एडजेसेंट जो बॉन्ड होता है इसके साथ वो फ्रीली रोटेट कर सकता है। तो ऐसा एक बॉन्ड है वो जो पेप्टाइड बॉन्ड के कार्बन के साथ अटैच होता है वो है C-Cα। ये जो बॉन्ड है इसको डिनोट करता है शाई के हिसाब से, मतलब इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि C-Cα मतलब शाई। ठीक है, तो यहां पर जो बॉन्ड होता है इसका जो रोटेशन बॉन्ड एंगल होता है इसको बोला जाता है शाई। ठीक है, तो साई से डिनोट करते हैं। और यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड के जो नाइट्रोजन है इसके साथ और एक अल्फा कार्बन अटैच होता है, इसको हम बोलेंगे फाई। ठीक है, तो ये जो फाई बॉन्ड के जो वैल्यू है, बॉन्ड एंगल के जो वैल्यू है, और ये जो शाई बॉन्ड के जो वैल्यू है वो अगर चेंज करते हैं तो प्रोटीन के सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर होता है वो भी डिफर कर जाता है। यहाँ पर अगर फाई बॉन्ड एंगल एंड शाई बॉन्ड एंगल को अगर हम चेंज करेंगे, बॉन्ड को अगर रोटेट करेंगे, जितना रोटेट करेंगे उसका स्ट्रक्चर भी, मतलब प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम ये जो फाई बॉन्ड एंड शाई बॉन्ड है इसका फेवरेबल रेंज ऑफ एंगल है -180 to +180। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी फेवरेबल और परमिटेड और अलाउड बॉन्ड एंगल्स होता है वो हम यहाँ पर रामाचंद्रन प्लॉट में प्लॉट करेंगे।
प्लॉट करके उसके बाद हम बता सकते हैं कि कौन सी बॉन्ड एंगल के, कौन सी फाई बॉन्ड एंड शाई बॉन्ड के कौन सी एंगल के लिए हम प्रोटीन के कौन सी सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमको मिल सकता है, मतलब कौन सी वैल्यू में हम अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिलेगा, कौन सी इनका कौन सी वैल्यू में हम बीटा शीट ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बीटा शीट को हमको मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे हम बता सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे रामाचंद्रन प्लॉट में अगर हम फाई बॉन्ड एंड शाई बॉन्ड को अगर प्लेस करते हैं, तो यहाँ पर हम फाई बॉन्ड को प्लेस किया, इसका वैल्यू है -180 to +180 और यहाँ पर जीरो है, मतलब ए वाला कोऑर्डिनेट है -5 वैल्यू एंड यहाँ पर +5 वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर शाई को डिनोट किया गया है, प्लॉट किया गया है, तो यहाँ पर -180 to +180 है, यहाँ पर जीरो है, ए वाला प्लस शाई है, ए वाला पोर्शन प्लस शाई एंड ए वाला पोर्शन पूरा माइनस साई वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम प्लॉट करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो व्हाइट रीजन है ये डिसअलाउड रीजन होता है, मतलब यहाँ पर जितने भी वैल्यूज ऑफ फाई एंड शाई बॉन्ड एंगल के जो वैल्यूज है यहाँ पर वो फेवरेबल नहीं है, मतलब प्रोटीन के एक स्ट्रक्चर के लिए वो फेवरेबल नहीं है, क्योंकि स्टेरिकली हिंडर करते हैं, मतलब स्टेरिकल क्लैश होता है इसके लिए, मतलब यहाँ पर जो साइड चेन ग्रुप होता है एमिनो एसिड का, इसके साथ अगर ये बॉन्ड एंगल घूम जाएगा तो इसके साथ स्टेरिक क्लैश होगा, तो इसके लिए ए वाला प्रेफरेबल नहीं है। तो जो व्हाइट रीजन में जितने भी बॉन्ड एंगल्स होता है वो फेवरेबल नहीं होता है। तो यहाँ पर जो रेड कलर का जो दिख रहा है ए वाला लेस अलाउड रीजन है, मतलब यहाँ पर स्टेरिक क्लैश कम होता है लेकिन उतना भी ज्यादा अलाउड रीजन नहीं है, मतलब हो सकता है, मतलब यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ब्लैक रीजन है यहाँ पर मेन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन फॉर्म होता है, ये जो ब्लैक रीजन है ये मोस्ट अलाउड रीजन ऑफ प्रोटीन के लिए, जो मतलब यहाँ पर अगर यहाँ पर जितने भी फाई वैल्यू एंड शाई वैल्यू है अगर इस बॉन्ड के रोटेशन इस वैल्यू में होता है तो प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर फेवरेबल होता है, अलाउड रीजन है ये वाला, ठीक है। तो इसके थ्रू से हम बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हम मेंशन किया है बीटा शीट पैरेलल एंड एंटी पैरेलल बीटा शीट, एंड यहाँ पर बॉन्ड एंगल को हम मेंशन किया है फाई वैल्यू एंड शाई वैल्यू, कौन सी फाई वैल्यू एंड शाई वैल्यू के लिए बीटा शीट हो सकता है एंड कौन सी फाई वैल्यू एंड शाई वैल्यू के लिए अल्फा हेलिक्स के राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसा आता है कि अगर बोल सकते हैं कि अगर तुमको एक प्रोटीन स्ट्रक्चर दिया गया है उसका फाई वैल्यू नेगेटिव है लेकिन शाई वैल्यू पॉजिटिव है तो उसके लिए कौन सी सेकेंडरी स्ट्रक्चर फेवरेबल होगा, तब हमको बताना होगा कि बीटा शीट ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसके लिए फेवरेबल होगा जब फाई वैल्यू नेगेटिव एंड शाई वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। अगर बोलते हैं कि अगर कोई प्रोटीन के फाई वैल्यू नेगेटिव एंड शाई वैल्यू भी नेगेटिव है तब इसका प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो हम बता सकते हैं कि उसका राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर कुछ दिया गया है। तो ऐसे ही हम रामाचंद्रन प्लॉट के थ्रू, मतलब रामाचंद्रन प्लॉट में हम प्रोटीन के फाई वैल्यू एंड शाई वैल्यू को इनपुट करके हम बता सकते हैं कि कौन सी फाई वैल्यू एंड शाई वैल्यू में, मतलब कौन सी बॉन्ड एंगल में प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स होगा और बीटा शीट होगा और नॉर्मल टर्न होगा, वो हम इस रामाचंद्रन प्लॉट से बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।